माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट लीक हो चुका है। या तो क्या ये वाइल्ड अपडेट पार्ट 2 होने वाला है या फिर एंडर अपडेट? वेल, तो मैं आप लोग को बता दूं, 1.20 ना तो वाइल्ड अपडेट होने वाला है और ना ही एंडर अपडेट। ये अपडेट कुछ और ही है। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कुछ दिनों पहले माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल चैनल पे 1.20 अपडेट में आने वाले तीनों नए मॉब्स रिवील कर दिए गए थे वोटिंग के लिए। और आई डोंट नो आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी या फिर नहीं, ये जो तीनों मॉब्स हैं एक चीज साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट किस पे बेस्ड होने वाला है। वो तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही, बट उससे पहले आप लोग एक नए मॉब से मिलो। वेल, तो आप लोग को स्नीपर के बगल में एक न्यू मॉब नजर आ रहा होगा, तो ये भी आ सकता है 1.20 में। तो 1.20 का सबसे ज्यादा चांस था कि ये एंडर अपडेट होने वाला है, लेकिन ये चारों मॉब्स को देखकर मैं तो सियर हो चुका हूँ कि ये एंडर अपडेट कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप लोग स्नीपर को देखोगे तो इसे तो मोजेंग नहीं बोला है कि ये एंशिएंट मॉब है। और अगला मॉब जो कि है रैस्कल, जिसे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में सबसे ज्यादा वोट मिले, ये हमें मिलने वाला है माइंडसेट में, जो कि एक एंशिएंट स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस मॉब वोटिंग का लास्ट मॉब जो कि है टफ गोलम, ये तो भाई एक स्टैचू है जो कि मूव भी कर सकता है। तो ये तीनों मॉब्स एंशिएंट चीजों को डिनोट कर रहे हैं। और कुछ टाइम पहले माइनक्राफ्ट आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। ओके, तो 15 अक्टूबर 2022 को ऑफिशियली रिवील कर दिया जाएगा कि माइनक्राफ्ट 1.20 एक्चुअली किस पे बेस्ड होने वाला है। तो मोजेंग ने हमें काफी सारे हिंट्स दिए हैं और इनसे तो भाई कंफर्म हो रहा है कि माइनक्राफ्ट का न्यू अपडेट आर्कियोलॉजी अपडेट होगा। और अगर ये आर्कियोलॉजी अपडेट होगा तो भाई हमें काफी सारे न्यू स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। तो इस अपडेट में फॉसिल्स भी ऐड होंगे और हमें इन्हें कुछ इस तरह से निकालना होगा। भाई ये सभी चीजें माइनक्राफ्ट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाली है। सिर्फ मैं ही नहीं, काफी लोग मानते हैं कि आर्कियोलॉजी अपडेट ही होगा, बाकी वैसे भी हम लोग को 15 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा। मॉब्स और स्ट्रक्चर इन दोनों के बारे में मैंने आप लोग को बता दी, बट इसमें बायोम्स भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन बायोम्स का कम चांस है। तो करीब 3 साल पहले माइनक्राफ्ट का एक बायोम वोट हुआ था और इस वोटिंग के आप लोग तीनों बायोम्स को देख ही सकते हो। तो सबसे पहले माउंटेन्स ऐड हो गए थे 1.18 अपडेट में एंड उसके साथ गोट्स भी। और वहीं दूसरी तरफ 1.19 में मैनग्रोव फॉरेस्ट ऐड हो चुका था, उसके साथ बोट विद चेस्ट और फ्रॉग, ये दोनों को भी दिखाया गया था और ये भी आ चुके थे 1.19 में। इस बायोम वोटिंग के 2 बायोम्स ऐड हो चुके हैं, बस एक लास्ट बायोम रह रहा है। तो इसका मतलब क्या ये भी आ सकता है 1.20 में? तो इसमें हमें बैडलैंड्स बायोम में 3 नए चीज दिखाए गए थे। पहला कैक्टस, दूसरा ये हवे से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वल्चर उड़कर आता है। तो भाई लिटरली इससे हमें काफी सारे हिंट्स मिलते हैं। तो बस अब 15 अक्टूबर का इंतजार है। मैंने इतने सारे चीजें गेस किए हैं, देखते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय सायोनारा। इनको क्या पता मेरे करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया।